नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे धर्म में कुल 18 पुराण हैं। इनमें शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जिसे मनुष्य जीवन को सुकर बनाने के लिए कई सारे मंत्र बताए गए हैं। शिव पुराण में माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद का सार भी बताया गया है। शिव पुराण में 5 ऐसे पापों का वर्णन मिलता है जो मनुष्य अनजाने में करता है और उसका दंड भुगतता है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को ऐसे पाप भूल से भी नहीं करने चाहिए। इन्हें करने से भगवान शिव की आग के ऊपर कभी कृपा नहीं होती, और यही वजह है कि लोग अनजाने में ऐसे पाप कर जाते हैं और शिव जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों कलयुग में धर्म का केवल 1/4 ही बचा है, इसलिए मनुष्य पाप करता रहता है। लेकिन अगर आप भगवान में आस्था रखकर धर्म के पथ पर पूरी निष्ठा से चलते हैं तो निराकार ईश्वर को आप जल्दी पा सकते हैं। इसके लिए आपको पाप रहित मनुष्य बनना होगा। पाप रहित मनुष्य बनना बड़ा ही सरल काम है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें तो आपसे अनजाने में भी कोई पाप नहीं होगा और ईश्वर की सहज कृपा आपको प्राप्त हो सकता है। आप अनेक पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपसे अनजाने में कई सारे पाप हो जाते हैं जो उन पुण्य कर्मों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इसलिए आपको इन पापों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे 5 पाप बताएंगे जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताए हैं। शिव जी के अनुसार कलयुगी मनुष्य जाने अनजाने में ही ऐसे पाप करते हैं और मेरी कृपा को नहीं पा सकते हैं। जो व्यक्ति इन पापों को नहीं करते उस पर शिव जी की कृपा बरसती है। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, इसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं महसूस होती, और ऐसा व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं पाप। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहला पाप है मानसिक पाप। शिव पुराण के अनुसार कलयुगी मनुष्य रोज मानसिक पाप करता है। मानसिक पाप वो होता है जब आप मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार लाते हैं, जो किसी स्त्री के बारे में हो, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के उन्नति को देखकर हो, या फिर किसी के सौंदर्य को देखकर ही क्यों ना हो, मन में उसके प्रति बुरे विचार लाता है, अथवा किसी दूसरे का अहित हो ऐसे मन ही मन कामना करता है, या फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि किसी के साथ बुरा हो जाए, तो ये बहुत बड़ा पाप है। किसी भी मनुष्य के मन में भगवान का निवास होता है, अतः आप मन में बुरे विचार लाते हैं तो ये उस भगवान का अपमान माना जाता है। दूसरा पाप है वाचिक पाप। शिव पुराण के अनुसार मुख से दूसरों को बुरा कहना या किसी को दुख पहुंचाने के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करना बड़ा पाप होता है, इसे वाचिक पाप कहते हैं। मनुष्य को सदैव मुख से सत्य भाषा बोलनी चाहिए और मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग अपने मुख से झूठ बोलते हैं तथा कटु शब्दों में किसी का अपमान करते हैं तो इसे पाप माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा गरीब ही रहते हैं। तीसरा है शारीरिक पाप। शिव पुराण में प्रकृति को ईश्वरीय रूप माना गया है, अतः अकारण ही प्रकृति को नुकसान पहुँचाना पाप माना गया है। पेड़ पौधों को काटना, पशुओं की हत्या करना, ये सब शारीरिक पाप की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भी पैरों के नीचे छोटे छोटे जीव जंतुओं को कुचलना भी पाप माना गया है। एक महात्मा पुरुष अपने कदम भी रखता है तो धरती माँ से क्षमा मांगता है, उसके आचरण से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं होता। चौथा पाप है निंदा करना। शिव पुराण के अनुसार कलयुग के सबसे भयंकर पापों में से एक है निंदा करना। मनुष्य को भूल से भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से पुरुष एक बार अवश्य सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति निंदा के पात्र है या नहीं। बड़े बुजुर्ग, गुरु एवं माता पिता के निंदा करना सबसे बड़ा पाप माना गया है, अतः
भूल से भी किसी की निंदा ना करें। पांचवा पाप है गलत लोगों के संपर्क में आना। शिव जी के अनुसार चोरी करना, हत्या करना पाप है। साथ ही इन लोगों के संपर्क में आना, इन लोगों को शरण देना अथवा इनकी किसी कार्य में सहायता करना ये भी पाप है। अतः एक सभ्य मनुष्य को इन लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो पांच पाप जो किसी भी मनुष्य से जाने अनजाने में होते हैं, इसलिए ऐसे पाप होने से बचें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।